सुप्रभात बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम लोग हिंदी साहित्य में से पार्ट 5 सूरज का गोला कविता का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आप सभी लोग अपनी अपनी पाठ पुस्तिका खोलिए और पार्ट 5 सूरज का गोला पाठ का अध्ययन करेंगे। सूरज का गोला कविता के रचयिता श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। सूरज के निकलने पर संसार में क्या क्या परिवर्तन होता है, उसे इस कविता के माध्यम से बताया गया है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग कविता पाठ करेंगे। सूरज का गोला इसके पहले ही कि निकलता, चुपके से बोला हमसे तुमसे इससे उससे कितनी चीज़ों से, चिड़ियों से पत्तों से फूलों फल से बीजों से, मेरे साथ साथ सब निकलो घने अंधेरों से। कब जाओगे अगर न जागे मेरे टेरे से, आगे बढ़कर आसमान ने अपना पट खोला, इसके पहले ही कि निकलता सूरज का गोला। फिर तो जाने कितनी बातें हुई, कौन गिने सके इतनी बातें हुई, पंछी चहके कलिया चटकी, डाल डाल चमकादर लटकी, गांव गली में शोर मच गया, जंगल जंगल में मोर नच नाच गया, जितनी फैली खुशियां उसे किरणें ज़्यादा फैली, ज़्यादा रंग होला और उभर कर ऊपर आया, सूरज का गोला सबने उसकी अगवानी में अपना पर खोला। तो बच्चों, अब हम लोग इस कविता को सरल शब्द में भी समझेंगे। प्यारे बच्चों, सूरज के गोले ने निकलने से पहले कहा, चुपके से बोला हमसे तुमसे इससे और उससे, ना जाने कितनी चीज़ों से, चिड़ियों से पत्तों से फूलों और फलों से बीजों से। सूरज ने कहा, मेरे साथ साथ सब निकलो काले घने अंधेरों से। कब जागोगे अगर ना जागे मेरे तेरे से, अर्थात मेरे पुकारने से भी अगर तुम नहीं जागे। आगे बढ़कर आसमान ने अपना पट अर्थात दरवाज़ा खोला, इसके पहले कि निकलता सूरज का गोला। फिर तो जाने कितनी बातें हुई, कौन गिनता इतनी बातें हुई, पंछी चहकने लगे और कलियां खिलने लगी, डाल डाल पर चमकादर उल्टे लटकने लगे, गांव और गली गली में शोर मच गया, जंगल जंगल में मोर नाचने लगा, जितनी खुशियां थी उससे ज़्यादा सूरज की किरणें चारों तरफ फैल गईं, चारों ओर रंग घुल गया, सभी ने सूरज के गोले का स्वागत अपने पर अर्थात पंख को खोल कर किया। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने हिंदी साहित्य में से पार्ट 5 सूरज का गोला कविता का कविता अध्ययन किया और उसी कविता को हम लोगों ने सरल शब्दों में भी समझा। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को इस पाठ का अध्ययन समझ में आ गया होगा। इसी पाठ से संबंधित मैंने कुछ गृहकार आपके स्कूल के वेबसाइट में दे दिया है, जिसको कि आपको अपनी कॉपी में करना है। अगले वीडियो में नए पाठ के साथ पुनः हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक प्यारे बच्चों, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।